नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के कुछ मुख्य खबरों से। वीरा राणा हो सकती हैं एमपी की मुख्य सचिव, ऐसा हुआ तो प्रदेश की दूसरी महिला सीएस होगी, फैसला आज कल पे। मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव यानी सीएस पद पर वीरा राणा की नियुक्ति हो सकती है। मौजूदा मुख्य सचिव इकबाल सिंह वैंस का कार्यकाल 29 नवंबर को पूरा हो रहा है, उन्हें एक्सटेंशन दिए जाने पर अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है। सीईओ ने चुनाव आयोग को भेजी रिपोर्ट, पोस्टल बैलेट में प्रतिक्रियात्मक त्रुटि, खंडवा एसपी बालाघाट कलेक्टर पर एक्शन ले सकता है चुनाव आयोग। प्रदेश में मतगणना के पहले चुनाव आयोग बालाघाट कलेक्टर और खंडवा एसपी के विरुद्ध एक्शन ले सकता है। दोनों ही जिलों में डाक मतपत्रों को लेकर प्रशासनिक चूक का मामला सामने आया है और इसमें अधिकारियों की लापरवाही साबित हुई है। खंडवा एसपी के मामले में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पहले ही रिपोर्ट ले चुका है, जबकि बालाघाट कलेक्टर के मामले में आज ही रिपोर्ट भेजी गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने भी कहा है कि सोमवार को बालाघाट में डाक मतपत्रों की शॉर्टिंग और खंडवा में पुलिस कर्मियों के वोट डालने के मामले में प्रतिक्रियात्मक त्रुटि की गई है। नेता प्रतिपक्ष बोले सीएस को आज ही हटाए निर्वाचन आयोग। डॉक्टर गोविंद सिंह बोले, हमने पहले ही कहा था इकबाल सिंह के रहते निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। बालाघाट में ट्रेजरी से पोस्टल बैलेट निकालने के मामले पर बवाल बढ़ता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह वैंस को तत्काल हटाने की मांग की है। जबलपुर में चाकू से गोंदकर युवक की हत्या, वीडियो आंखों जांघों पर किए वार, पेट चीर दिया, मां बोली बेटा बेकसूर था। जबलपुर में सोमवार देर रात एक युवक की चाकू से गोंदकर हत्या कर दी गई। शहर के भीड़भाड़ वाले सिविक सेंटर इलाके में आधा दर्जन हमलावरों ने बीच रोड पर चाकूबाजी की, युवक की आंख और जांघ पर 10 से ज्यादा वार किए, उसका पेट चीर दिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, पुलिस ने देर रात ही केस दर्ज कर लिया। 15 साल की लड़की का किडनैप, धर्म परिवर्तन, कलमा पढ़ते हुए फोटोज वायरल, 4 दिन पहले स्कूल से लापता हुई थी। सतना जिले के मजगवा में 4 दिन से स्कूल से लापता 15 साल की हिंदू लड़की सोमवार रात को मिल गई है। एक नाबालिग पर लड़की को किडनैप कर रेप और धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। लड़की के मिलने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने थाने के सामने प्रदर्शन किया। इसी दौरान किसी ने शहर में माहौल बिगाड़ने के लिए नाबालिग के पिता की कबाड़ की दुकान में आग लगा दी। विधानसभा चुनावों को लेकर धौलपुर में फिर हिंसा, 72 घंटों में 8 जगह मारपीट और फायरिंग, 5 थानों में 10 से ज्यादा मामले दर्ज। 25 नवंबर को धौलपुर जिले की चारों विधानसभा सीट पर छिटपुट हिंसा के बाद मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया, लेकिन उसके बाद से बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में दो पक्षों के बीच लगातार हिंसा जारी है। हिंसा को रोकने के लिए जहां एसपी के साथ पुलिस बल फ्लैग मार्च कर रहा है, वहीं बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी जसवंत सिंह के बाद भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह मलिंगा ने भी समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। किसे जिताएगा मुस्लिम बहुल सीटों पर बढ़ा हुआ मतदान, 10 से 12 सीटों पर 2 से 5% वोटिंग ज्यादा। पोखरण में सबसे अधिक 87.69% मतदान। राजस्थान में इस बार चुनावों में वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है। करीब 10 से 12 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम समुदाय पहले से तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मतदाता समूह है। ग्राउंड रिपोर्ट, 7 मर्डर, चश्मदीद गवाह, फिर कैसे रिहा हुआ ब्रजेश सिंह, केस जारी, एफआईआर गायब। 37 साल से पुलिस के पहरे में पीड़ित परिवार, 37 साल पहले यूपी के सिकरौरा गांव में रात के अंधेरे में 5 से 7 बदमाश ग्राम प्रधान रामचंद्र यादव के घर में घुसे, घुसते ही लोगों को काटने, गोली मारने लगे। कुल 7 लोगों के मर्डर किए जिनमें 4 बच्चे थे। आगे चलकर माफिया और फिर एमएलसी बने ब्रजेश सिंह इस केस में आरोपी थे। ब्रजेश सिंह को गोली लगी, मामले में चश्मदीद गवाह थे, फिर भी वो बरी हो गए। बरी होने की तारीख थी 20 नवंबर 2023। ग्राउंड रिपोर्ट, फेमस होने के लिए मर्डर, सोशल मीडिया पर पोस्ट, मरने वाले की मां बोली 100 बार चाकू मारने वाला बच्चा नहीं दरिंदा है। तारीख 21 नवंबर, जगह दिल्ली का जाफराबाद। 18 साल का यूसुफ 350 रुपए लेकर घर का सामान लेने निकला था, फिर घर नहीं लौटा। देर रात पुलिस ने यूसुफ की मां रुखसाना को कॉल कर बताया कि आपके बेटे का मर्डर हो गया है। कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, इसमें दिख रहा था कि 16 से 17 साल का एक लड़का यूसुफ की गर्दन पर चाकू मार रहा है।
इंदौर बावड़ी हादसे पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। नगर निगम और मंदिर ट्रस्ट को नोटिस। स्लैब धंसने से 36 मौत हुई थी। इंदौर के स्नेह नगर यानी पटेल नगर स्थित बालेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हुए बावड़ी हादसे को लेकर हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने नगर निगम और मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। हादसा 30 मार्च 2023 को रामनवमी के दिन हुआ था। हवन आरती कर रहे लोग बावड़ी की स्लैब धंसने से 36 लोगों की मौत हो गई थी। अब तक लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक रे नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।